Assalamu alaikum and welcome again. Hello again to all the viewers, my students. A warm welcome to you all. It's Monday and it's work day again. I hope you had a great weekend. So today we will start again our lecture series on gender studies. And today we are going to discuss the third wave of feminism. Teesri jo leher. ठीक है, तीसरी जो लहर है फेमिनिज्म की, तो वो आज हम पढ़ेंगे. इससे पहले दो क्लासेस में हमने पहली लहर पढ़ी थी, निस्वानी तहरीक की दूसरी, और आज हम तीसरी पढ़ेंगे. ठीक है, तो द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज अ फोकस नॉट so much on legal rights which were acquired by the first and second wave of feminism. इसमें जो legal rights जो first wave और second wave ने हासिल किए थे, तो उसी यानी जो openers जो आए थे first wave और second wave में, तो ये one down आ गया. ठीक है, बाबर आजम की तरह, तो इसी तरह इसने continue किया, वहां से ही अपना score को बढ़ाना शुरू किया. And it was all about social equality and justice as well as other social issues. तो जिस तरह पश्तो का एक मकूला है कि माड़ा गेड़ा फारसी हुई. ठीक है, जब आपके बेसिक राइट्स आपको मिल जाते हैं, तो तब आप जो है फारसी का मतलब ये है कि तब आप दूसरे राइट्स या दूसरे लग्जरीज, दूसरे प्रिविलेजेस की बात करते हैं. ठीक है, तो उसमें दूसरे सोशल इश्यूज में जो अहम इश्यूज थे, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए थे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, लेकिन उसमें जो है सबसे अहम इश्यू जो है वो रेप, जेंडर बेस्ड वायलेंस. जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ आप वायलेंट एक्ट करें. ठीक है, किसी को मारें, किसी को फिजिकल वायलेंस का शिकार बनाए. ठीक है, उसको अब्यूज दें जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर जेंडर. ठीक है, तो दिस इज जेंडर बेस्ड वायलेंस. आसान एग्जांपल इसकी हम देख सकते हैं कि जो ख्वाजा सरा थे उनको पुलिस वालों ने मारा था. ठीक है, तो अगर ये मर्द होते या खवातीन होती तो उनको वायलेंस नहीं की जाती. ठीक है, सो इट्स बिकॉज ऑफ देयर जेंडर दे वर टारगेटेड. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस. इसको हम जीबीवी भी कहते हैं, जीबीवी. देन वी कम टू जेंडर स्टेरियोटाइप्स. नाउ you must have heard the word stereotypes. What do we mean by stereotypes? Stereo, audio stereo, जो आपका speaker होता है, तो stereo कहता है कि जब वो आपका mobile का या laptop का या TV का जो volume होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. इसी तरह gender stereotypes ये होते हैं कि आप किसी social group के खास जो खसूसियात होती हैं उसको आप थोड़ा एग्जेजरेट कर देते हैं, या वो इमेजिनरी खसूसियात होती हैं या रियल होती हैं. फॉर एग्जांपल इन इंडिया देर इज स्टेरियोटाइपिंग ऑफ सरदार जीज. ठीक है, जो कि सरदार जीज जो हैं वो सिली हैं. ठीक है, सो इट इज इमेजिनरी, इट इज नॉट ट्रू. सिमिलरली पाकिस्तान में जो है पठान को जो है स्टेरियोटाइप किया जाता है, या पठानों में जो है बुनियादियों को स्टेरियोटाइप किया जाता है. तो स्टेरियोटाइप का मतलब यह है कि आप कह दें कि बस ये सोशल ग्रुप जो है वो इसी तरह है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ख्वातीन बहुत बात करती हैं, तो अक्सर तो सारी ख्वातीन तो बात नहीं करती, कुछ जो होती हैं वो इंट्रोवर्ट भी होती हैं, चुपचाप होती हैं, शर्मीली भी होती हैं, कुछ ज़रा बातें भी करती हैं. इसी तरह कुछ
मर्द हजरात जो होते हैं वो चुप चुप होते हैं, कुछ ज्यादा बातें करते हैं, ठीक है। तो दिस इज जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। अच्छे, इसके बाद हैरेसमेंट। तो हैरेसमेंट जो है इट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल। हैरेसमेंट में सिर्फ फिजिकल नहीं आती, बल्कि फॉर एग्जांपल आप अपने पावर को गलत तरीके से यूज करें उसको भी हम हैरेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़े ओहदे पर कोई है और वो अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाए, ठीक है। हैरेसमेंट सिर्फ ख्वातीन के साथ नहीं बल्कि मर्दों के साथ और खासकर जो है यंग लड़कों के साथ भी हैरेसमेंट हो सकती है, ठीक है। इसके बहुत सारे वाकयात हुए हैं, हमारे माशरे में भी होते रहते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल्स आपके माशरे में बड़ी पड़ी हैं। इसी तरह इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब ये है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसमें जो है जो सोशोलॉजिस्ट थे या जो जेंडर एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, उनको पता लगा कि जो जेंडर है, जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी ये जो है सिर्फ जेंडर से नहीं होती बल्कि जेंडर के साथ बंदे का रेस, इसके अलावा कास्ट, उसकी जात क्या है, उसकी क्लास क्या है, नेशनैलिटी उसकी क्या है या एथनिसिटी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बंदे की के स्टेटस को, स्टेटस और इनइक्वालिटी को जाहिर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ एन इमेजिनरी पर्सन और टू इमेजिनरी पर्सन। एक की मिसाल मैं आपको देखता हूँ कि एक जो है खान लाला है, ठीक है, और दूसरी जो है तो वो एक सिंधी हिंदी हिंदू और सिंधी खातून है, कोई हिंदू नाम आपको आता है, श्री देवी रख देते हैं, चलो श्री देवी। अब खान लाला जो है तो ही इज अ मेल, ठीक है, ये मेल है। इसके अलावा रेस जो है, क्योंकि ये गोरा है, ठीक है, तो इसका स्टेटस हाई है। इसका कास्ट जो है यो खानखेल है, ठीक है, इसके जमीने हैं। इसकी क्लास जो है अपर क्लास है, ठीक है, और एथनिसिटी इसकी पश्तून है। तो पश्तून जो है तो वो पाकिस्तान में जो है इसकी हाईएस्ट स्टेटस नहीं है, ठीक है, लेकिन इतने डाउन भी नहीं है, पश्तून जो है वो मिडल में है, ठीक है। एंड नेशनैलिटी इज पाकिस्तानी, ठीक है। तो इसको कंपेयर करें, इसका जो है स्टेटस जो है बहुत ज्यादा हाई है। श्री देवी जो है ये एक सिंधी तरपारकर में सिंध में एक खातून है, ठीक है, इसका जेंडर फीमेल है, ठीक है। रेस जो है तो ये इतनी गोरी नहीं है। कास्ट जो है इसकी शूदर है, ठीक है, या सिंध में जो है तरपारकर में एक कास्ट है जिसे कोली कहते हैं, कोली। तो उनका काम जो है सिर्फ नमक निकालना होता है, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल। तो ये जो है लोअर कास्ट है, ऑब्वियसली ये जो है देहात में रहती है तो बहुत ज्यादा गरीब भी है, सिंधी भी है, तो सिंधियों की क्या का भी इतना स्टेटस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसका स्टेटस बड़ा होगा या खान लाला का होगा, ऑब्वियसली खान लाला का जो है स्टेटस ज्यादा होगा। इसके बरक्स अगर हम एक और कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल कर्नल की बीवी होगी, ठीक है,
तो कर्नल की बीवी जो है तो जेंडर में ये जो है खानलाला से थोड़ी इंफीरियर है, ठीक है, लेकिन जो है क्लास जो है बिकॉज शी इज इन द मिलिट्री क्लास, तो इसका जो क्लास है वो थोड़ा खानलाला से ऊपर है। इसी तरह एथनिसिटी जो है मोस्ट ऑफ द पंजाब इज अ मेजॉरिटी स्टेट इन पाकिस्तान, सो देयर स्टेटस इज हायर देन अदर एथनिसिटीज, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में कर्नल की बीवी आगे है, कुछ चीज़ों में खान लाला जो है वो आगे है, लेकिन श्री देवी बेचारी जो है तो ये सबसे गरीब है, ठीक है। तो दिस इज इंटरसेक्शनैलिटी। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग, सो दिस इज इंटरसेक्शनैलिटी दैट जेंडर कास्ट रिलीजन लैंग्वेज ईच एंड एवरीथिंग प्लेज अ रोल इन आवर सोशल स्टेटस, ठीक है। अगर इन बातों से अगर आपका के एहसास को ठेस पहुंचा, तो आई एम सॉरी, आई वॉज जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। स्टेरियोटाइप्स मीन्स के यू से दैट ऑल वेमेन टॉक टू मच, ठीक है, या ऑल मेन आर वायलेंट, नॉट एवरी मैन इज वायलेंट, ठीक है, या इन नॉट एवरी वुमेन इज टॉक्स अलॉट, ठीक है, या हो सकता है कि फीमेल्स कैन ऑल्सो बी एग्रेसिव, नॉट जस्ट मैन, ठीक है, या रिस्क टेकर्स, हम कहते हैं कि बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है, लड़के जो होते हैं तो वो ज़रा रिस्क टेकर्स होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं जो टीनेजर्स बॉयज होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं बाइक चलाने में, ठीक है, अक्सर जो एक साथ बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ बॉयज जो होते हैं वो शाय भी होते हैं, ठीक है, शरीफ भी होते हैं। आप में कोई शरीफ लड़का है, हाथ उठाएं आप। तो इसी तरह थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो है मेल इश्यूज भी डिस्कस हुए, इसको हम जेंडर एंड डेवलपमेंट कहते हैं इस अप्रोच को। द फेमिनिस्ट दे रियलाइज दैट वी कैन नॉट सक्सीड, वी कैन नॉट अचीव आवर गोल्स विदाउट द हेल्प ऑफ मेल males, yeah, without the help of male lens. And many scholars realize that men also go through anxiety, depression, and there is a concept known as toxic masculinity. When you expect a male to be always strong, to always be providing you, okay, when you have unrealistic expectations from males, for example, आप फिल्मों में देखते हैं कि जो हीरो होता है सलमान खान है या जो भी है, ठीक है, तो वो उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, और उसके का लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है, वो दो तीन गुंडों के नहीं बल्कि 50-60 गुंडों को एक साथ मार देता है, ठीक है, और वो हमेशा जो है वो लड़की को बचा लेता है, किसी भी सिचुएशन से वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो इस तरह नहीं होता। तो इस तरह की अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा इतना ये करेगा, ठीक है, तो दिस इज अ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। व्हेन यू एक्सपेक्ट मेन टू बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग टफ एंड परफेक्ट, सो दिस इज टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, इसको जो है ये इश्यूज भी सोशियोलॉजिस्ट ने रेस किए, ठीक है, इसको आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर ट्रांस फेमिनिज्म, ठीक है, तो जो सेकंड और फर्स्ट वेव में जो है तो ख्वाजा सराओं को किसी ने जो जिसे हम पश्तों में ही जुड़ा कहते हैं, ठीक है, तो इनको जो है किसी ने घास नहीं डाली, तो उन्होंने कहा कि यार हमें भी, हमारे भी राइट्स हैं, हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वी आर ऑल्सो human beings, तो जो है ट्रांस फेमिनिज्म ऑल्सो स्टार्टेड। इसी तरह जो है डोमेस्टिक इनइक्वालिटी, तो लीगली जो है वुमेन अचीव्ड इक्वालिटी, बट एट देयर होम्स दे लैक्ड इनइक्वालिटी, ठीक है, जो
घर में जो है फिर भी उनके साथ जो है इनइक्वालिटी का सलूक होता था, तो दीज इश्यूज वर रेज, ठीक है, कि आप डॉटर सन को एक जैसा, आप एवरी चाइल्ड शुड बी लव्ड. सिमिलरली सेक्सिज्म, सेक्सिज्म इज व्हेन यू फेवर वन जेंडर ओवर द अदर, ठीक है, चाहे वो नॉवेल्स में हो, लिटरेचर में हो, मीडिया में हो, ड्रामा में हो, फिल्म में हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, तो इट इज कॉल्ड सेक्सिज्म. ग्लास सीलिंग इज व्हेन वेमेन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटीज टू हायर पोजिशंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ कॉल, मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया, ठीक है, एक फीमेल ने बात की, उसने कहा कि आप जो है ऑडिटर जनरल साहब से आप बात करें, ठीक है, ये ऑडिटर जनरल साहब का ऑफिस है और आपसे भी साहब बात करेंगे, ठीक है. तो इसी तरह आप देखें जितने भी सेक्रेटरीज होती हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज होती हैं, ठीक है, तो वो ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, जो पावरफुल पोजीशंस होती हैं. डायरेक्टर बहुत कम ही ऐसा होता है कि डायरेक्टर साहिबा होती है, ज्यादातर वो डायरेक्टर साहब होती है. तो इसको हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, व्हेन वेमेन आर डिनाइड टू अचीव पावरफुल पोजीशंस. ओके, देन वी कम टू मदर एंड चाइल्ड केयर. दिस वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट thing that women used to die giving birth to children, ठीक है. इसके अलावा जो है there was a focus on child rights, ठीक है, child labor का खात्मा करना, child care करना, ठीक है, इनकी health का ख्याल रखना. तो this was also included in the third wave. इसके अलावा pornography जो है, pornographic जो material है, they it objectifies women, ठीक है, mostly women, that it does not pornography जो है it was very unhealthy because it leads to negative perceptions and behavior. Objectification means that when you consider a human being as an object, ठीक है, जब आप उसको एक शोपीस की तरह लेते हो, ठीक है, आप उसको एक इंसान के नजर से नहीं देखते कि ये इंसान है, ठीक है, हम उसको एक ऑब्जेक्ट के नजर से देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका इस तरह का शेप है, ठीक है. तो वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ ह्यूमंस एज ह्यूमंस, ठीक है, वेदर दे आर मैन, वेदर दे आर वुमेन, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स फॉर एनीबॉडीज अम्यूजमेंट, ठीक है. So objectification of women means that when we treat women as decoration pieces, ठीक है, and then also in the West, Maghreb में जो है तो feminist ने hijab को defend किया कि every woman has a right to wear whatever she or whatever she likes, ठीक है, whether it's the hijab is not an object of oppression, ठीक है, and it was also the era of girlish feminism, ठीक है, इससे पहले जो feminist थे तो वो थोड़े tomboyish थे, ठीक है, in especially in the first and the second wave there was tomboy feminist, but here women also started girlish feminism. So in short, इस सब का जो एक खुलासा ये है कि it was a movement for individual rights, individual freedom, and also the collapse of Soviet Union meant a setback for socialist feminism and a renewed interest in liberal feminism. ठीक है, तो ये जो है ज्यादातर ये जो बातें हैं, this is liberal feminism. We will discuss what is liberal feminism and what is socialist feminism in the next lectures. So these were some of the important authors, scholars in
the third wave of feminism. The first Pashto magazine was launched in 1981 by Rawa, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, which was headed by Meena Keshwar. So Meena Keshwar jo thi ek khatoon thi jisne ye tanzeem banayi thi aur inka jo magazine tha uska naam tha Payam-e-Zar. Payam-e-Zan, zan kehte hain khatoon, payam awaz, the voice of the women. Then Pakistani sociologist Farida and Hawar Mumtaz in kiya ek book thi, Women of Pakistan, Two Steps Forward, One Step Back. Theek hai, to isme jo hai khawateen ke issues discuss kiye gaye ke how women had one step back but they also took two steps forward, especially in Zia and after the Zia era. And then in 1989, Kimberly Crenshaw Williams, yes, ko aap simply Kim Williams, Kim, easy name, let's just call her Kim Williams or just Kim. So she gave the idea of intersectionality, jo humne last slide mein padha, intersectionality. Intersectionality is the that how race, gender, and everything plays a role in marginalization, in the social inequality of individuals. Similarly, a Canadian sociologist, Dorothy Smith, published The Everyday World as a problematic, a feminist sociology. So she, this was an important work in feminist sociology. Then Judith Butler published Gender Trouble. And she said that gender is a performance. Theek hai, gender ko hum perform karte hain. Kis tarah perform karte hain? For example, aap ladke ko dekhen ki wo kis tarah chalta hai aur ladki ko dekhen kis tarah chalti hai. Theek hai, ladke ke baithne ke style ko dekhen, ladki ke baithne ke style ko dekhen. So we perform our gender. Mashram se jo expect karti hai, to we try to perform that role. Isi tarah Naomi Wolf, she published The Beauty Myth. In this book, she showed that how beauty, the concept of beauty, is used against women. For example, unrealistic beauty standards. Ab khuda ne kisi ko ek jaisa body structure diya hota hai, kisi ko dusra, to unrealistic jo bodies body standards hain ke beauty jo hai wo is tarah honi chahiye, gori honi chahiye, patli honi chahiye, lambi honi chahiye. So this is used against women because women then focus on becoming beautiful. Theek hai, to ye Naomi Wolf ne kaha ke jo hai bahut zyada jo khawateen jo makeup karti hain to ye jo hai wo apne khilaf jo hai अपने आप को वो खुद ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं कि वी आर एन ऑब्जेक्ट, नॉट अ ह्यूमन बीइंग. सही है. सिमिलरली रेबेका वॉकर, शी इंट्रोड्यूस्ड द टर्म द सेकंड वेव इन हर आर्टिकल इन द मिस मैगजीन. तो इस दौर में जो है मैगजीन्स बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए, तो उसी में एक मैगजीन में रेबेका वॉकर ने कहा कि सेकेंड, ये जो है अभी जो वेव है, तो ये दिस इज द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. देन लेट अस जस्ट डिस्कस्ड द अदर फ्यू पब्लिकेशंस. आमिना, प्रोफेसर आमिना वदूद, शी पब्लिश्ड कुरान एंड वुमेन. एंड अनदर इजिप्शियन फेमिनिस्ट लैला अहमद, शी पब्लिश्ड वुमेन एंड जेंडर इन इस्लाम. And Rebecca Walker, ये तो हो गया. Okay, next slide. Results. So, what were the results of the second wave of feminism? There were family laws US में पास हुई. ठीक है, इसी तरह जियाउल हक के दौर में जो है family planning start हुई. Family planning in Pakistan.
इसके अलावा जो है फीमेल हेड्स ऑफ स्टेट्स आई, ठीक है, जिसमें जो है बेनजीर भुट्टो है, ठीक है, इसी तरह इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद थी, खालिदा जिया, ठीक है, इसी तरह मिस सोकार्नो जो थी वो इंडोनेशिया में थी, ठीक है, फीमेल जजेस आई, सीईओस जो कंपनी के हेड्स हैं, ठीक है, मेल इश्यूज पर बात हुई, ट्रांसजेंडर इश्यूज पर बात होने लगी, ठीक है, लॉज बने, इसी तरह अब्यूज एंड वायलेंस के खिलाफ जो है लॉज बने, ठीक है, एंड ऑल्सो जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन वॉज एस्टेब्लिश, ठीक है, जो कराची यूनिवर्सिटी में है, कराची यूनिवर्सिटी 1988 में जो है 1988-89 में जो है द फर्स्ट वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट स्टार्टेड, जो बाद में जो है जेंडर स्टडीज बनी, ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट टेक योर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट यू इन अनदर क्लास. Okay, sir, thank you.